वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर, परमानेंट बेसिस जॉब है। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्शन पार्ट थ्री लेके। देखिए ऑलरेडी मैं प्रोडक्शन पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया और इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दिया। हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपको मैकेनिकल रिलेटेड जितना ट्रेड है, जितना वैकेंसी निकाला गया, हर एक ट्रेड हर एक वैकेंसी में इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्वेश्चन बहुत होता है लेकिन उसको सेग्रीगेट करना, उसको चूज करना, वो उसी वही आप असली काम होता है। तो इसलिए मैं वो सेग्रीगेटेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो पिछला कोई एग्जाम में आया है, जो पिछला साल में आया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर वन, जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड, जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड, आंसर शेराडाइजिंग। आंसर शेराडाइजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The accuracy of micrometer, caliper, dial indicators can be checked by. The accuracy of micrometer, calipers and dial indicator can be checked by. Answer, slip gauge. Most important question. Question number 3. The type of file used for woodwork. Woodwork के लिए जो file use किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? Answer, rasp cut file. Most important question. Question number 3. Next question. A taper provided on the pattern for its easy and clean withdrawal फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज। ये हायर लेवल का क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया पिछले एग्जाम में। तो इसलिए ये प्रोडक्शन रेट का अंतर होता है। तो ये प्रोडक्शन के लिए ये क्वेश्चन आपका करना जरूरी है। टैपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इजी एंड क्लीन विदड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज, आंसर ड्राफ्ट अलाउंस। ये आपका अलाउंस का अंदर आता है तो ये पैटर्न में दिया जाता है तो इसको बोला जाता है ड्राफ्ट अलाउंस। नेक्स्ट, इन bilateral सिस्टम ऑफ tolerance, द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन bilateral सिस्टम ऑफ tolerance, टॉलरेंस इज अलाउड ऑन बोथ साइड ऑफ द nominal cell। जैसे आप देखेंगे बाई है bilateral, तो आप उसको ऑप्शन में खोजिए कि बोथ साइड ऑफ द nominal cell कहाँ पे है, वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चिजल यूज फॉर कटिंग QA इज, चिजल यूज फॉर कटिंग QA इज केप चिजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड द बेसिक साइज इज कॉल्ड, एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज इज कॉल्ड, आंसर लोअर डिवीजन। लोअर डिवीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज डैश ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। टेम्परेचर ऑक्सी हाइड्रोजन जो फ्लेम है उससे क्या होता है, लेस देन होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज लेस देन किससे, ऑक्सी एसिटिलीन से। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का टेम्परेचर लेस होता है ऑक्सी एसिटिलीन से। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सिंगलेस मेटेलिक ट्यूब। कुछ ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया कौन सा मेथड कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सिंगलेस मेटेलिक ट्यूब्स, आंसर एक्सट्रूशन एंड रोलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोल्ड चिजेल आर मेड बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कोल्ड चिजेल आर मेड बाई, आंसर फोर्जिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज ऑल द फीचर्स फॉर टाई स्क्वायर, बिवेल प्रोटेक्टर, रूल एंड स्क्राइबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में टाई स्क्वायर, बिवेल प्रोटेक्टर, रूलर्स एंड स्क्राइबर का ऑल फंक्शन है, ऑल फीचर्स है, आंसर कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बैक हैंड वेल्डिंग, द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड द वर्क इज केप्ट। बैक हैंड वेल्डिंग में एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च और वर्क में जो एंगल होता है, आंसर 40 degrees to 50 degrees करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड यूज इन स्पॉट वेल्डिंग हैव ए टिप ऑफ, द इलेक्ट्रोड यूज इन स्पॉट वेल्डिंग हैव ए टिप ऑफ, आंसर कॉपर। आंसर कॉपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गैल्वानाइजिंग इज ए, गैल्वानाइजिंग क्या होता है, गैल्वानाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक बाय हॉट डिपिंग।
गैल्वेनाइजिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ कोटिंग, कोटिंग दिया जाता है कोई मेटल मेटल मेटलिक चीज के ऊपर बाय हॉट डिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन ए यूनिलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस, यूनिलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन, यूनिलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस में टॉलरेंस इज अलाउड ऑन वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज। अगर बाइलेटरल होगा तो बोथ साइज और यूनिलैटरल होगा तो वन साइड, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड हार्ड सरफेस मटेरियल सच एज स्टेलाइट। तो हार्ड सर्फेसिंग मटेरियल सच एज स्टेलाइट इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज किया जाता है, किस लिए? सच एज स्टेलाइट, स्टेलाइट में यूज किया जाता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रो टिप डायमीटर डी इज स्पॉट वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू वायर टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी वेल्ड। तो इलेक्ट्रो टिप डायमीटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6√T। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, इन स्पॉट वेल्डिंग द स्पेसिंग बिटवीन टू स्पॉट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, स्पॉट वेल्डिंग में जो स्पॉट वेल्डिंग होता है, स्पॉट वेल्डिंग में कोई एक मेटेलिक प्लेट के ऊपर स्पॉट वेल्डिंग हो रहा है, स्पेसिंग बिटवीन द टू स्पॉट, ये जो स्पेसिंग बिटवीन द टू स्पॉट ये क्या होता है, शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टाइप का क्वेश्चन अभी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। नॉट बी मतलब नॉट बी, जो सही है वो तो जानना है और जो नहीं सही है वो भी जानना है, तो इसलिए नॉट बी में ज़्यादा अभी ध्यान दे रहा है जो एग्जामिनर हो रहा है। शुड नॉट बी लेस देन आंसर 3D, जिसमें D आपका डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू कट माइल स्टील द कटिंग एंगल ऑफ चिजेल शुड बी, जब आप कटिंग कर रहे हैं माइल स्टील का तो कटिंग एंगल ऑफ चिजेल शुड बी, आंसर 60 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ स्ट्रेटनिंग ए कार्व शीट मेटल इज नोन एज, एक ऑपरेशन है जिसमें कार्व शीट का मेटल, एक कार्व शीट का मेटल को आप स्ट्रेट कर रहे हैं, आप इसको ऐसे स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेशन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लानाइजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया, ईस्टो का लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ बेंडिंग ए शीट मेटल अलोंग ए कार्व एक्सिस इज नोन एज, ऑपरेशन ऑफ बेंडिंग ए शीट मेटल, एक शीट मेटल को आप बेंड कर रहे हैं अलोंग इट्स कार्व एक्सिस, कार्व एक्सिस का बराबर उसको बेंड कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, आंसर फॉर्मिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए रिप सॉ इज यूज टू कट अलोंग द ग्रेन ऑफ वुड, रिप सॉ क्या होता है, रूट सॉ होता है, जो ग्रेन रहता है मतलब अगर इसमें ऐसा ग्रेन रहेगा तो ग्रेन का अलोंग काटने के लिए जो सॉ यूज किया जाता है उसको बोला जाता है रिप सॉ। फॉर वेल्डिंग प्लेट्स ऑफ थिकनेस मोर देन 12.5 mm इट्स एजेस, एजेस क्या होना चाहिए, शुड हैव डबल वी और यू ग्रूव ऑन बोथ साइड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग, इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग, आंसर कितना, 6 to 10 volt। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इज डन विथ, मोस्ट ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन इज डन विथ, आंसर न्यूट्रल फ्लेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग एज ऑफ चिजेल शुड बी, द कटिंग एज ऑफ चिजेल शुड बी कैसा होना चाहिए, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मैटिंग सर्फेस डैश गेज शुड बी यूज्ड, मैटिंग सर्फेस में क्लियरेंस चेक करने के लिए आपको फिलर गेज यूज करना है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉर्टिस गेज इज ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मॉर्टिस गेज इज ए, आंसर मार्किंग टूल, मार्किंग टूल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल्स एंगल्स आई बीम्स आर मेड बाय, स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल्स एंगल्स आई बीम आर मेड बाय, आंसर हॉट रोलिंग, जो प्रोसेस होता है हॉट रोलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर कटिंग ब्रश द हैक्सो ब्लेड शुड हैव डैश्ड इट पार्ट 25 mm, आप क्या कटिंग कर रहे हैं, आप कटिंग कर रहे हैं ब्रश, ब्रश कटिंग का टाइम पे आपका 25 mm में कितना टीथ होना चाहिए, आंसर 14 टीथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका 14 टीथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।